ओम नमः शिवाय। चैत्र मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि शुक्रवार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, जिसके नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव हैं, चंद्रमा दोपहर 1:15 के बाद कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके राशि स्वामी बुधदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, लोकप्रिय, दयालु और धैर्यवान होते हैं। ये विद्वान, सही निर्णय देने वाले, अध्ययनशील, गणित, साहित्य एवं भाषा के जानकार होते हैं। ऐसे जातक उच्च स्तर के लोगों से मित्रता रखने वाले और उच्च अभिलाषी होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है और हर विद्या में पारंगत हो सकते हैं। सामाजिक ख्याति अच्छी मिलती है। यदि सहयोगी लग्न रहा, सूर्य और बुध की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। मेष राशि के जातकों को दोपहर तक कार्य क्षेत्र की अनुकूलता मन मुताबिक बनी रहेगी। नए लोगों से संपर्क होंगे और लाभ के नए अवसर सामने आएंगे। बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी होंगी और आर्थिक लाभ व सहयोग मिलता रहेगा, मगर दोपहर के बाद का समय चिंता को बढ़ाने वाला होगा। योजनाएं बनती रहेंगी लेकिन काम करने की गति प्रभावित होगी। परिवारजनों के स्वास्थ्य के प्रति चिंता बढ़ने लगेगी और उत्साह में कमी संभावित है। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। खान पान में सावधानी बरतें, पुरानी दिक्कतों की पुनरावृत्ति संभावित है। वृष राशि वाले जातकों को कार्य क्षेत्र से मानसिक संतुष्टि मिलेगी और मन मुताबिक काम होते रहेंगे। दृढ़ इच्छा शक्ति और उत्साह में वृद्धि होगी। मित्रों से सहयोग व आर्थिक लाभ संभावित है। योजनाओं को लागू करने में सफलता मिलेगी। कुछ रुके हुए काम भी संपन्न हो सकते हैं। बच्चों के विषय में आत्मविश्वास बढ़ेगा और शुभ संदेश संभावित है। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा और शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। कुछ काम अधिकारियों के मर्जी के अनुरूप भी करने पड़ सकते हैं, मगर शासन सत्ता का सहयोग मिलता रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बरकरार रहेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मिथुन राशि वाले जातकों को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास का पूरा सहयोग मिलता रहेगा। कार्य योजनाओं को सुचारू ढंग से पूरा करने में परिवारजनों और सहयोगियों की भूमिका बनी रहेगी। नए प्रस्ताव का निमंत्रण आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य से अच्छी हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का समय अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। किसी महत्वपूर्ण काम के पूरा होने से सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों पर केंद्रित रहेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल रहेंगे। भाग्यवश नई योजनाओं के प्रस्ताव भी आ सकते हैं, जिसमें महिला वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी और लाभदायक स्थिति बनी रहेगी। बच्चों के मामले में चिंता बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत भरा होगा। आपसी संबंधों में तनाव की स्थिति संभावित है और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन आपके दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला होगा। दोपहर के बाद आर्थिक लाभ की स्थिति और बढ़ सकती है। अपने अतिरिक्त ऊर्जा का इस्तेमाल रचनात्मक कार्यों में करते जाएं, लाभ मिलता जाएगा। साझेदारी के नए प्रस्ताव सामने आएंगे, जिसको आप लागू कर सकते हैं। मित्रों का सहयोग बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। अभिभावकों का आशीर्वाद और पारिवारिक प्रेरणा मिलती रहेगी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बरकरार रखें। कन्या राशि के जातकों के लिए व्यावसायिक उन्नति का दौर जारी रहेगा। मित्रों और सहयोगियों से सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। संबंधित मामले में यात्रा संभावित है। दोपहर के बाद का समय इच्छा शक्ति को और उत्साह को बढ़ाने वाला होगा। साझेदारी लाभदायक रहेगी और आर्थिक सहयोग मिलता रहेगा। विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है, साजिश के शिकार हो सकते हैं। अध्ययन अध्यापन में सहयोग की कमी महसूस होगी और संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी।
तुला राशि के जातकों की आर्थिक लाभ की स्थिति बनी रहेगी। अपनी कार्य योजनाओं में प्रवास या यात्रा संभावित है। जिस विषय पर आपका सबसे अधिक आत्मविश्वास हो उसी को चुनते हुए अपने कार्य योजनाओं में शामिल करें। कार्य क्षेत्र में आक्रामक रवैया उचित नहीं होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता संभावित है, मगर मन अंतर्द्वंद और आशंकाओं से भरा रहेगा। बिना वजह किसी से वाद विवाद बढ़ाना उचित नहीं होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की सकारात्मक कार्य ऊर्जा बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। चंद्रमा पूर्णिमा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। व्यावसायिक योजनाओं के नए प्रस्ताव सामने आएंगे और उसमें निवेश लाभदायक रहेगा। संतान संबंधी मामलों में खर्च संभावित है। नए रिश्ते का प्रस्ताव मिल सकता है। पारिवारिक प्रेरणा मिलती रहेगी। नकारात्मक विचारों वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें और दिनचर्या में खान पान को संतुलित रखें। धनु राशि वाले जातक आज हर मामले में अनुकूल महसूस करेंगे। आपकी कार्य ऊर्जा कार्य क्षेत्र पर केंद्रित रहेगी। आर्थिक मामलों में लेन देन में सावधानी रखें। हालांकि आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा, व्यावसायिक मामलों में आपका काम सुचारू ढंग से चलता रहेगा। साझेदारी के कामों के लिए आज का दिन अनुकूल है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। संतान पक्ष से सुखद समाचार मिल सकता है। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मकर राशि के जातकों के व्यक्तिगत प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। बौद्धिक ऊर्जा स्तर में भी वृद्धि होगी, जिससे व्यावसायिक उन्नति में सहयोग और आर्थिक लाभ मिलता जाएगा। मित्रों से सहयोग और संतान के प्रति आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। चंद्रमा के आठवें घर में चलने की वजह से मन में अनावश्यक चिंता और भयग्रस्तता संभावित है, मगर दोपहर बाद भाग्यवश रुके हुए काम संपन्न होने लगेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलेगा। अपने स्वास्थ्य पर आवश्यक सावधानी बरकरार रखें। कुंभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव संभावित है। आँख व कंधों से संबंधित समस्या संभावित है, मगर व्यावसायिक अनुकूलता बनी रहेगी। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। नई कार्य योजनाओं के प्रति आपका प्रयास सफल होगा। विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। वैवाहिक मामलों के लिए दोपहर से पहले का समय उचित होगा। परिवार में हर्ष और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा और छोटी यात्रा संभावित है। मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कुछ नया अनुभव लेकर आएगा। चंद्रमा धीरे धीरे पूर्णिमा की तरफ बढ़ रहे हैं। दोपहर बाद आर्थिक लाभ मिलने से मन में उत्साह और व्यावसायिक योजनाओं को बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी। अधिक जोखिम वाले काम करना उचित नहीं होगा। नए व्यावसायिक रिश्तों से लाभ संभव है। विद्यार्थियों के लिए आज का समय संघर्ष भरा होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी और संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बरकरार रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।